इस बस्ती में रहने वाले केशव प्रसाद सोनी और उनकी पत्नी मंजूबाई सोनी इस रोड की समस्या से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं, जो रद्द होने के कारण पानी भी नहीं भरने जा पाते हैं और जाते हैं तो उसमें उनको बहुत समस्या होती है। उनकी पत्नी मंजू बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं क्योंकि वो अपाहिज हैं, विकलांग हैं और उनसे चला फेरा नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो रोड से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। मंजू और केशव जी के जैसे इस बस्ती में रहने वाले करीब 400-500 लोग रोड ना होने के कारण और नाली ना होने के कारण किस तरह इस समस्या का सामना कर रहे हैं, आज मैं उसी बस्ती में जा रही हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए बहन जी, आप चल नहीं पाते हैं? हाँ, चल नहीं पाते हैं हम। तो आप जब बाहर जाते हैं तो आपको क्या क्या मुसीबतें हैं? डरे हैं, सोई पे से चले जात को चार गए, अब भेड़ा जात आज उपाजू पानी डरो। क्यों, आपके घर में लैटरिंग शौचालय कुछ है ना? नहीं है, हमारे घर लैटरिंग नहीं है, बाहर जाना पड़ा, भेड़ा जात कीचड़ में गिर पड़ा। आपको जो सरकारी योजना चल रही है मर्यादा साला, उसमें आपने आवेदन नहीं किया शौचालय के लिए? आवेदन तो किया है, आवेदन किया है, मगर सुनाई नहीं भाई, ने राशन काट दिया। मंजू और केशव जी की तरह और भी इस दूसरे लोग भी इस रोड की समस्या का सामना कर रहे हैं, जो कि इस चिकनी मिट्टी का खेत होने के कारण एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। वार्ड नंबर 17 और 18 में कुल तादाद है 400 से लेके 500 तक, जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हम जो बताएं कि देखो, हम परेशानी निकलवे की है, गंदगी है, पानी बह रहा हो, नाली है ना, हम नाली जरूरी चाहना है, पानी की भी परेशानी है, गड्ढा है, देखो मोड़ी फेंकत, हम कहाँ जाएं? मैं चाहती हूँ इन्हें उन योजनाओं का लाभ मिले, कुछ बदलाव हो। इसमें बदलाव लाने के लिए जो हमारे ब्लॉक अधिकारी हैं वो हैं कार्यपालन अधिकारी श्री के चौबे जी, जिनका फ़ोन नंबर है 93009829951। मेरी आप सबसे अपील है कि इन लोगों की समस्या से अगर आप प्रभावित हैं तो फ़ोन करें और अपना दबाव बनाएं। मैं आरती वाई वाल्मीकि, जिला दमोह, भटियागढ़, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।